अंडरग्राउंड पाइप जैकिंग है ये क्या होता है जैसे कि आपको जो आर सी सी पाइप होता है उसका अंडरग्राउंड में एक जगह पे सिर्फ एक्सवेट करके फिर अंडरग्राउंड में नीचे करके उसको जो पुश करते रहते हैं ठीक है सारी जगह आपको बाहर से एक्सवेट नहीं करते एक जगह पे एक्सवेट करके वहाँ पे जो अरेंजमेंट है ना आप देख रहे हैं ना जो पाइप पुशिंग के लिए जो भी जैक और उसका पंप वगैरह लगा के जो हाइड्रॉलिक्स है उसको जैसे पुश करते हैं ठीक है इसमें मेन जो है इसका जो पाइप है ना उसका ये अलग तरीके का होता है नॉर्मल पाइप नहीं होता है जैसे एन पी फोर एन पी टू होता है ना इसमें क्या होता है जैसे एन पी फोर जैकिंग पाइप इसमें जैसे आप देख सकते हैं इसमें क्लियर कट लिखा है जो क्लास होता है इसका एन पी फोर जैकिंग पाइप होता है तो इस टाइप का एक अलग से भी जो पाइप आता है उसी पाइप के इसमें जैसे कि एक जगह पर ये करते हैं एक्सरेट करते हैं फिर नीचे से पुशिंग करते जाते हैं ठीक है फिर जो साइल है जो उसका अंदर से जो एक आप डिग करते जाता है फिर उसको उसे एक छोटा सा रेडी टाइप में उसमें लेके आके फिर बाहर से इधर जो यहाँ पे जो देख रहे हैं ना पुश कर रहे यहाँ पर ले कर आके फिर इधर से हाइड्रा से एक बकेट से उठा के ऊपर फेंक देते हैं इस तरीके से जो करने से मेन तीन एडवांटेज है सबसे पहले तो आपका क्या है एक्सवेजन क्वान्टिटी है बहुत कम है मतलब हर जगह जैसे कि आपका अगर यार इस टाइप की देख लो अगर चार पाँच मीटर अगर पूरी लेंथ में तो आपका एक्सवेट करना है बहुत सारे क्वांटिटी होते हैं लेकिन इस जगह पे क्या है सिर्फ एक सिंगल जगह पे आपने एक्सवेट कर लिया ठीक है एक दस मीटर का एक्साइट कर लिया फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं एक एक पाइप का पुश करते जा रहे हैं सिर्फ जो पाइप की जो डाया उतनी ही क्वान्टिटी आपको एक्साइड कर, डिग करके फिर बाहर निकालना पड़ रहा है सेकंड सेकंड एडवांटेज मेन एडवांटेज क्या है इसमें क्या है आपका जैसे आप जितना कम निकाल रहे हैं इसकी वजह से आप हर जगह आप एक्साइट नहीं कर रहे हैं इसलिए एयर पोल्यूशन भी कम है जैसे आप एक्साइड करते हैं उससे मट्टी उड़ता है जो उस टाइम में एयर पोल्यूशन होता है वो भी कम है थर्ड एडवांटेज क्या है मेनली आपका जो लैंड एक्सन होता है ना जैसे कि आपके ये जो करना है पाइप पोशिंग करना है उसके लिए लैंड एक बहुत कम चाहिए एक जगह पे आपने जैसे ले लिया अगर पंद्रह बीस मीटर एक लेंथ में ले लिया और जैसे विर्थ में एक दस मीटर जैसे ले लिया पाँच छः मीटर ले लिया तो उतने ही जो काफ़ी है उसके बाद आपने उसी में से आपको सारे ऑपरेशन जो होते चलते रहेंगे ठीक है तो आपने इधर से पाइप जैसे पाइप पुशिंग करा फिर उतना उतना जो डया का साइल डिक करा फिर जहाँ पे एक एक ड्रम रखा ड्रम टाइप पैकेट उसमें डाला फिर उससे हाइड्रा से निकाला इस टाइप का आप करते जा सकते हैं ठीक है थैंक यू दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ ग्रेट डे बाय केयर नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना इस वीडियो को शेयर कर लेना थैंक यू दोस्तों बाय